कि फ़िलहाल हम आपका रिविज़न करा रहे हैं क्लास टेंथ और कॉमर्स सब्जेक्ट का और इस रिविज़न में आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूं वो चैप्टर है बीजक यानी कि इन आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इस बीजक नाम के चैप्टर को पर चूंकि ये जो बीजक नाम का चैप्टर है बेटा ये अपने आप में बड़ा और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बात को ध्यान से सुनिएगा ये जो बीजक यानी कि इनवाइस नाम का चैप्टर है ये एक बड़ा चैप्टर है और दूसरा ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस चैप्टर को हम बेटा एक दिन में रिवीजन ना करके दो दिन में रिवीजन करेंगे एक दिन लगेगा जब मैं आपको इसका थ्योरी वाला पोर्शन यानी कि जो क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं उनका कराऊंगा और एक जिसमें मैं आपको बीजक बनाना सिखाऊंगा और लास्ट दो तीन ईयर के क्वेश्चन में जो बीजक आए हैं उन बीजक को बेटा मैं आपको बनवाऊंगा तो ये जो हमारी क्लास होगी ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगी आज की क्लास में इसका सारा थ्योरी वाला पार्ट बीजक क्या होता है सामान्य बीजक क्या होता है बीजक के प्रकार क्या क्या होते हैं सभी तरह के बीजक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जो सेकंड वाली क्लास है उसमें हम क्या करेंगे बेटा हम सीखेंगे कि बीजक को कैसे बनाया जाता है और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ बेटा कि अगर आपको कुछ भी मुझसे बातचीत करनी है तो कोशिश करें बेटा मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना क्लास के बाद और यहाँ पर सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ही आपको करने हैं अनइम्पॉर्टेंट मैसेज बेटा आपको नहीं करने मेरे बच्चे ठीक है <coughs> चलिएगा तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी क्लास पर चलते हैं समझते हैं बीजक क्या होता है और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो जो हमारी लाइव क्लास लेना चाहता है वो हमसे लाइव क्लास ले सकता है और एक छोटी सी सूचना और देनी थी बेटा अब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया है आपको अगर मुझे मैसेज करने बेटा कॉल के लिए मैं हमेशा डिनाई करता हूँ कि कॉल प्लीज़ ना करा करें कॉल मैं नहीं उठा पाता हूँ बेटा पूरे दिन बच्चों की कॉल आती रहती है और इस वजह से बेटा जो इंपॉर्टेंट कॉल होती है वो भी मिस हो जाती हैं तो प्लीज़ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल ना करें सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें जैसे ही बेटा मैं फ्री होता हूँ मैं आपके मैसेज लूँगा पूरे दिन क्लास लेनी होती है स्कूल में पढ़ाना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं नोट्स बनाने होते हैं आपकी क्लास की प्रिपेयर करनी होती है बेटा मैं कॉल नहीं उठा पाता बेटा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल ना करें बात आती है बेटा इन्वास यानी कि बीजक की कि बीजक होती क्या चीज़ है बीजक क्या होता है

और उस पेपर पर क्या लिखा होगा उस पेपर पर लिखा होगा कि हमने आपको कितना सामान बेचा है उस उस सामान की मतलब उस सामान की की क्वांटिटी क्या 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 है? 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 मतलब मतलब मात्रा दर दर कितने रुपए के हिसाब से सामान बेचा है उसके अलावा हमने जो आपको सामान भेजा है वो किस माध्यम से भेजा है रेल से भेजा है ट्रक से भेजा है क्या भेजा है उसका रेल का भाड़ा क्या है ट्रक का भाड़ा क्या है मीनिंग क्या होता है इनवाइस क्या है बीजक क्या है जब सामान बेचा जाता है तो बेचने के टाइम पर विक्रेता एक पेपर बनाएगा और उस पेपर पर उस सारे सामान की क्वांटिटी लिख देगा कितने सामान भेजा है क्या उसका रेट है कितना सामान भेजा है क्या उसका रेट है टोटल कितने पैसे लेने हैं कितना हमने आपको डिस्काउंट दिया है कितना आपका आने जाने का भाड़ा है वो सारी चीजें बेटा तो की बात है देखो लिखेंगे क्या देखो थोड़ी सी बात को समझते हैं क्या लिखा है थोड़ी तो मेरी चर्चा भी कर लेते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है लिखा है जब व्यवसाय किसी क्रेता को माल बेचता है क्रेता समझते हो बेटा जिसे जो माल खरीदता है उसे क्रेता कहते हैं और बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं विक्रेता कहते हैं जब व्यवसाय किसी क्रेता को माल बेचता है तो माल के साथ जो प्रलेख प्रलेख समझते हो बेटा एक पेपर माल के साथ जो प्रलेख या विवरण बनाकर देता है उसे बीजक या चालान या इनवाइस कहा जाता है समझ गए बात को जब भी कोई विक्रेता किसी क्रेता को सामान बेचेगा तो माल के साथ जो प्रलेख भेजता है जो पेपर भेजता है जो इनवॉइस भेजता है उसी को हम क्या बोलते हैं बीजक भी कह सकते हैं चालान भी कह सकते हैं और इनवॉइस भी कह सकते हैं <स्याँग> अब इस प्रलेख या विवरण में माल से संबंधित सभी जानकारी जैसे अब इस बीजक के अंदर होती क्या क्या चीजें हैं ये जो बीजक है इसमें क्या क्या सूचनाएं लिखी होती है उसकी चर्चा करते हैं बीजक के अंदर लिखा होता है माल की क्वांटिटी कितना सामान हम भेज रहे हैं माल की कीमत जो सामान भेज रहे हैं उसकी कीमत क्या है माल की मात्रा जो सामान हमने भेजा है उसकी मात्रा कितनी है दी जाने वाली छूट हम इस पर कितना आपको डिस्काउंट दे रहे हैं जोड़े जाने वाले व्यय हम इसमें कितने खर्चे और जोड़ रहे हैं देखो क्या लिखा होगा बेटा बीजक के ऊपर क्या लिखा होगा बीजक पर लिखा होगा कितनी क्वांटिटी हमने भेजी है माल की कीमत क्या है उस माल की मात्रा क्या है उस माल पर कितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं और उस माल पर कितने खर्चे हम और जोड़ रहे हैं कहोगे सर खर्चे कैसे जोड़ने हैं बेटा जब माल भेजा जाता है तो भेजते समय पर भाई भाड़े का खर्चा हुआ रिक्शा का खर्चा हुआ पैकिंग का खर्चा हुआ वो सारे खर्चे जो जोड़ रहे हैं वो भी लिख देंगे उसके अंदर आदि की जानकारी होती है तथा अंत में क्रेता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि लिखी होती है कि भैया तुम मुझे कितना पैसा दोगे एंड में वो टोटल करके लिख दिया जाता है तो बीजक क्या है आप बोलोगे एक प्रलेख है।, है जो विक्रेता माल को बेचते समय क्रेता के पास भेजता है और बीजक पर माल की क्वालिटी माल की कीमत माल की मात्रा माल की छूट और माल पर जोड़े गए व्यय आदि की जानकारी होती है तथा अंत में द्वारा दी जाने वाली राशि लिखी होती है कि भैया क्रेता कितनी राशि देगा बताओ बच्चों क्या आपको इनवॉइस यानी के बीजक के बारे में पता लगा कि नहीं लगा अब आप पेपर में खुद मैंने फिर से हमेशा एक शब्द बोलता हूं आज फिर बोलूंगा कि पेपर में आपको वो नहीं लिख कर आना जो मैंने पढ़ाया है पेपर में आपको वो नहीं लिख कर आना जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है पेपर में आपको वो लिख कर आना जो आपने समझा है पेपर में आपने वो लिख कर आना है जो आपने समझा है और अपने हिसाब से लैंग्वेज बनाकर कि भैया क्या है बीजेक फिर से बताओ क्या लिख सकते हो अच्छा एक बार मैं आपको देख नहीं रहा हूं ईश्वर भी आपको नहीं देख रहा है, ये मानकर चलो लेकिन हां खुद से अपने टेस्ट लो आप बीजक की डेफिनेशन खुद को बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो अपनी अपनी जिस जगह पर आप बैठे हो आपने लीड लगा रखी है कुछ भी लगा रखी है अपने आप को बीजक की डेफिनेशन सुनाओ कि आप अपने पेपर में क्या डेफिनेशन लिख कर आओगे जल्दी से बेटा एक मिनट का समय दिया आप अपने आप को एक डेफिनेशन सुनाओ बीजक की डेफिनेशन क्या लिख कर आओगे कि बीजक वह प्रलेख है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को माल को बेचते समय दिया जाता है कुछ भी लिख दो बीजक एक प्रलेख है जो विक्रेता क्रेता को माल के साथ भेजता है आप ये लिख सकते हो या माल को बेचते समय पर बनाता है बनाता कौन है बेटा विक्रेता कौन बनाता है विक्रेता और किसके पास भेजता है बेटा क्रेता के पास ये दो शब्द याद रखना बीजक विक्रेता बनाता है विक्रेता लिखता है और क्रेता के पास भेज देता है ठीक है माल को भेजते समय पर और इस पर निम्नलिखित जानकारी लिखी होती है आप जैसे चाहो वैसे डेफिनेशन बना दो इस पर निम्नलिखित जानकारी लिखी होती है माल की क्वालिटी माल की कीमत क्या है माल की मात्रा कितनी है माल पर कितना छूट यानी कि डिस्काउंट दिया गया माल में कितने अन्य व्यय को जोड़ा गया तथा अंत में यह लिखा जाता है कि अंत में यह लिखा जाता है कि क्रेता कितने भुगतान करेगा कुल भुगतान उसे कितना करना है ये बेटा क्या हो गया ये हो गया भैया आपके पास किसकी इन की डेफिनेशन और मैंने बोला कि आप खुद अपने आप को सुनाओ और ये देखो कि क्या आप डेफिनेशन अगर आपका अभी पेपर आ जाए मैं तो अभी पढ़ा रहा हूं बेटा आपको तो क्या आप हाथों हाथ लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो चलिएगा ये तो बारी बेटा किसके बारे में हो गई बीजक के बारे में उसकी थोड़ी और जानकारी ताकि आप एक दो लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा सको व्यवसाय द्वारा बीजक प्राय दो प्रतिलिपियों में बनाया जाता है एक प्रतिलिपि क्रेता को दी जाती है और एक प्र, दूसरी प्रतिलिपि व्यवसायी भविष्य के लिए अपने उपयोग के लिए अपने पास रखता है तो कोई पेपर में पूछ सकता है बताओ भैया बीजक की कितनी प्रतिलिपि होती है यानी बीजक की कितनी कॉपी बनाई जाती है दो कॉपी बनाई जाती है एक विक्रेता क्रेता के पास भेज देगा और एक प्रतिलिपि एक कॉपी विक्रेता क्या करता है अपने खुद के पास रखता है कि मान लो भविष्य में मुझसे दोबारा सामान मंगवाया तो मैं दोबारा से बनाकर भेज दूंगा मुझे माल पता है क्वांटिटी पता है पता पता है ठीक है भाई तो इसकी दो प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं

कब बनाते हैं उधार माल की बिक्री के समय पर पेपर प्रश्न आएगा बीजक कब बनाया जाता है उधार माल की बिक्री के समय पर नगद माल की बिक्री के समय पर दोनों पर या इनमें से कोई नहीं तो जब उधार माल बेचते हैं तब बीजक बनाया जाता है बेटा कॉपी पर कुछ बातें ना लिखते रहा करो ताकि एग्जाम के टाइम फटाक साहब कॉपी देखो और आपको वो चीजें याद हो जाओ तो बताओ जल्दी से बीजक कब बनाया जाता है उधार माल की बिक्री के समय पर बीजक कितनी प्रतिलिपियों में बनाया जाता है दो प्रतिलिपियों में बनाया जाता है एक प्रतिलिपि आप खुद रखते हो और एक प्रतिलिपि बेटा आप क्या करते हो बेटा क्रेता के पास भेज देते हो तो बेटा फ्रेंड्स को हाई हेलो बात करना आप छोड़ दो पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दो जी आगे आती है बेटा क्या चीजें बीजक पर और क्या क्या चीजें लिखी होती है बेटा आप बढ़ाना चाहो ना वैसे मैंने आपको बता दिया कि बीजक पर क्या लिखा होता है बताओ मेरे बच्चे बीजक पर क्या लिखा होता है माल की क्वांटिटी माल की क्वालिटी माल की कीमत क्या है माल पर कितना डिस्काउंट दिया गया है? माल पर कितने अन्य व्यय जोड़े गए और अगर आप चाहो तो हजारों चीजें लिख सकते हो बीजक नंबर क्या है बीजक की दिना क्या है क्रेता का नाम क्या है जीएसटी नंबर क्या है क्रेता का पता क्या है विक्रेता का पता क्या है क्योंकि देखो सीधी सी बात है आप में से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें शायद एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में बीजक क्या होता है बाकी आएगा नहीं अब वो खाली बैठे बैठे क्या करेंगे भाई खाली बैठे बैठे करने करना कुछ काम तो क्या काम करोगे बेटा बस ये लिखते चले यानी बीजक पर बीजक का नंबर होता है क्रेता का नंबर होता है दिनाक होती है फलाना होता है ढिमकाना होता है ये हजारों चीजें इसके अंदर और होती है ठीक है भाई ई कहोगे ये ई वे बिल क्या होता है बेटा जब माल को भेजते हैं ना बेटा किसी ट्रेन वगैरह से तो उस पर एक स्लिप पर एक नंबर मिलता है बेटा वो ई वे बिल कहते हैं ठीक है भुगतान की शर्तें क्या है माल की किस्म क्या है माल की दर क्या है लो भैया हजार चीजें माल की कीमत क्या है जीएसटी क्या है माल पर लगने वाले जीएसटी क्या है भुगतान की जाने वाली राशि क्या है ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है बीजेक में दिए जाने वाले डिस्काउंट अरे भैया मैं थक गया बोलते बोलते है ना आप समझ ही गए होंगे बाकी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता चुका था कि बीजेक में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है बढ़ते हैं बेटा आगे इन सब चीजों को छोड़कर अब बीजेक होते हैं बेटा दो प्रकार के अब आते हैं ओरिजिनल बात पर

कभी कभी क्या होता है ना बेटा आपने भी देखा होगा आप खुद के बारे में कभी आप जानते होंगे कि मान लो आपको किसी आप मैं मान ले तो बेटा मैं यहाँ पर बिजनौर में बैठा हुआ हूँ और मुझे गाज़ियाबाद के किसी सेलर से सामान मंगवाना है मुझे गाजियाबाद से बेटा क्या करने 50 है पचास लैपटॉप मंगवाने हैं तो मैं क्या करूँगा गाजियाबाद वाले के पास जो दुकानदार है उसके बाद फ़ोन करूँगा कि भैया मुझे ना आपसे पचास लैपटॉप मंगवाने हैं उनकी क्या क्या कीमत होगी कितना उन पर डिस्काउंट आप मुझे दोगे कितना आपका आने जाने का किराया लगेगा कितना उस पर अन्य खर्चे लगेंगे कितना उस पर जीएसटी लगेगा ये सारा ना मुझे बिल बनाकर कर एक बार मेरे पास भेज दो तो। सुनो ध्यान से मुझे गाजियाबाद की एक दुकान से सामान खरीदना है मुझे गाजियाबाद की एक दुकान से पचास लैपटॉप खरीदने हैं तो मैंने क्या किया उनकी दुकान पर फ़ोन किया और कहा भैया मुझे पचास लैपटॉप खरीदने हैं उनकी क्या क्या कीमत होगी कितना कितना डिस्काउंट दोगे कितनी कितनी उन पर वारंटी होगी आने जाने का भाड़ा क्या होगा वो सारी सूचना लिख कर मुझे कागज पर मेरे पास भिजवा देना अभी मैंने खरीदे नहीं है ऑर्डर नहीं दिया मैंने ये नहीं कहा मुझे खरीद मैं ये दे दो सिर्फ क्या कहा मुझे खरीदने हैं आप बताओ कि क्या कीमत लगाओगे आप बताओ कितना डिस्काउंट दोगे आप ये बताओ भैया कितना खर्चा आएगा आने जाने का किराया क्या होगा कितने दिन में मेरे पास माल भिजवा दोगे ये सारी सूचना मुझे एक पेपर पर लिख कर दे दो माल खरीदा नहीं है खरीदने से पहले ही खरीदने से पहले ही मैं विक्रेता से कुछ सूचनाएं मांग रहा हूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा कच्चा बीजक उसे मैं क्या बोलूंगा कच्चा बीजक अभी ऑर्डर नहीं दिया था मैंने उसे मैंने सिर्फ उससे पूछा था कि भैया तुम्हारे रेट क्या क्या, क्या है? कितना कितना डिस्काउंट और सूचना बेटा मैं एक दुकान पर नहीं बेचता जब मुझे सामान खरीदना होता ना बेटा तो मैं दस दुकानों के पास फोन करूंगा कि भैया बता दो मुझे पचास लैपटॉप खरीदने कितने कितने का लगाओगे कितना कितना डिस्काउंट दोगे तो जब मैं पचास दुकानों पर फोन करूंगा तो पचास के पचास दुकान वाले मुझे एक कागज पर लिख कर दे देंगे हम इतनी कीमत लगाएंगे इतना डिस्काउंट देंगे इतना आने जाने का भाड़ा लगाएंगे इतनी वारंटी देंगे मेरे पास सबकी सूचना आ जाएगी तो ऐसा बीजक जो खरीदने से पहले या बेचने से पहले आप क्रेता के पास भेजते हो सूचना के रूप में उसे सूचनार्थ बीजक कहते हैं। एक होते बेटा पक्का बीजक पक्का बीजक कब होता है जब माल बेच दिया जाता है तो माल के साथ साथ आप भेजते हो एक पेपर माल के साथ साथ एक पेपर भेजते हो कि भैया यह रहा माल और यह रहा पेपर और हमने तुम्हें इतना माल भेजा है इतना डिस्काउंट इतना फलाना तो धमकाना है तो पक्का बीजक क्या होता है बिक्री के समय पर भेजा जाता है और कच्चा बीजक बिक्री से पहले भेजा जाता है तो बीजक के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं सुनिएगा ध्यान से बढ़े देखो इसमें क्या लिखा गया है क्रेता द्वारा माल की पूछताछ या माल की कीमत जानने के लिए विक्रेता द्वारा जो बीजक बनाया जाता है उसे सूचना प्राय विक्रेता द्वारा क्रेता को माल की अंदाजन या अनुमानित कीमत माल की किस्म माल की कुल राशि आदि बताने के लिए बनाया जाता है जिसमें क्रेता सूचनार्थ बीजक के आधार पर ही भविष्य में निर्णय ले सके तथा माल खरीदने के लिए पहले से आगे बेचने की तैयारी कर सके इस बिल में सभी जानकारी अनुमानित होती है इस कारण इस बीजक को अनुमानित या दर्श ठीक है बीजक भी कहते हैं यानी मैंने क्या बताया कि ये रहा हूं और मेरी इतनी इतनी कीमत होगी अनुमानित अनुमानित मेरी ये कीमत होगी इतना मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा इतना मैं तुम्हें ये दे दूंगा, अगर तुम मुझसे सामान खरीदोगे तो इस बीजक को क्या बोलते मेरा बीजक और जब मैं सामान खरीद लूंगा जब मैं सामान खरीद लूंगा तो सामान के साथ जो मेरे पास बिल आएगा उस बिल को मैं क्या बोलूंगा भैया पक्का बीजक या सामान्य बीजक जो हम चर्चा कर रहे थे वो इसी की चर्चा थी बेटा सामान्य बीजक की सामान्य से ऐसे बीजक से होता है जो विक्रेता द्वारा वास्तव में माल बेचने पर बनाया जाता है माल बेचने पर बनाया जाता है।對啊. है बेचने से पहले नहीं बेचने से पहले जो बनता है वो क्या बोलते हैं सूचनार्थ बीजक पेपर में एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि माल बेचने से पहले जो बीजक बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं सूचनार्थ बीजक बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे सूचनार्थ बीजक बोलते हैं माल बेचने के साथ बाद नहीं माल बेचने के साथ जो बीजक बनाया जाता है उसे सामान्य बीजक बोला जाता है अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं बीजक बनाने से क्रेता को होने वाले लाभ बेटा मैं आप हल्का सा सिर्फ बताए देता हूं बाकी आपको इसे खुद से पढ़ने हैं और नोट्स आपके ग्रुप पर पड़े होंगे बेटा पहले से ही आप उन्हें देख लिया करो बहुत से बच्चे क्या करते हैं बेटा ग्रुप से रिमूव हो जाते हैं या जा जब मैं नोट्स डालता हूं उस समय पर ध्यान नहीं देते हैं बाद में कहते हैं नोट्स भेज दो नोट्स भेज दो बेटा एक एक बच्चे को नोट्स भेजना बड़ा मुश्किल काम होता है मेरे प्यारे बच्चे मुझे पूरे दिन बहुत सारे काम करने होते देखो ये नोट्स लिखने भी होते हैं है ना मैंने डेली लिखता भी हूँ क्लास की तैयारी भी करनी होती है आप सिर्फ टेंथ में हो मुझे टेंथ भी पढ़ाना है इलेवेंथ भी पढ़ाना है ट्वेल्थ भी पढ़ाना है नाइन्थ भी पढ़ाना है स्कूल में भी पढ़ाना है बहुत सारे काम भी करने हैं और फिर आप जिस दिन आपकी इच्छा हुई कि सर जी ना मुझे बीजेक वाले नोट्स भेज दो अरे मेरे बेवकूफ बच्चे ग्रुप पर ढूंढ उसे पढ़ा होगा ग्रुप पर कहाँ पर है बीजक ढूंढो जाओ ऊपर खुद ढूंढो मुझसे बार बार ढूंढवाते हो मैं भी तो वहीं से ढूंढ कर दूंगा भाई आपको चलो

आसानी से ज्ञात हो जाता है उसकी सूचना विक्रेता दे देता है कि भैया कितना माल हम आपके भेज रहे हैं कितना माल अभी नहीं भेज पा रहे हैं बीजक से क्रेता को वस्तु के मूल्य निर्धार करने में बहुत सहायता होती है अब जो क्रेता है वो आगे चलकर सामान बेचेगा तो उसे पहले पता लग जाएगा बीजक देखकर कभी कभी आप देखा, आपने देखा होगा मैंने किसी टीवी की दुकान पर जा रहा खरीदने के लिए टीवी तो वो कह ठीक है भाई तुम बता रहा हूँ वो पहले अपना बिल देखेगा ओ भैया मुझे टीवी कितना का पड़ा था आठ हजार का फिर वो जोड़ेगा अच्छा आठ का बिल बिल मेरा आठ लिखा है दो मेरी अपनी प्रॉफिट होगा भैया मैं तुम्हें दस का बेचूंगा कभी आप देखना दुकान पर टीवी लेने जाना वो टीवी आपको बेचने से पहले खोता है वो बीजक का मतलब जो उसने खरीदते समय से मिला था तो उस बीजक को देखकर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर आपको सामान बेचता है तो बीजक से क्रेता को वस्तु का मूल्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है बीजक की सहायता से क्रेता बाजार में उपस्थित वस्तुओं की मूल्य की तुलना अपनी वस्तु के मूल्य से कर सकता है भैया मुझे कितने की पड़ी है और बाजार में कितने की बेटा ये कुछ इसके लाभ हुए बाकी आप बना बना कर लिख देना बेटा ये तो बीज के बारे में चर्चा अब बीजक से विक्रेता को क्या क्या लाभ है बेटा वो भी आप बना बना कर भैया मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ सिंपल सी चीजें क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं जो इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा मैं आपको बताता चलूंगा अभी फिलहाल एग्जाम आने वाले हैं तो बात सिर्फ करेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न की वेस्ट वाले प्रश्न की बातचीत नहीं अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और आ जाते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीजक और बिक्री विवरण ये दो चीजें हैं बड़ा बहुत प्यारी चीज है पेपर के अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बीजक क्या होता है और बिक्री विवरण क्या चीज होती है सुन लो बेटा ध्यान से बीजक और बिक्री विवरण में अंतर कई बार पूछा गया है आपको लगेगा कि सर ये तो दोनों ही चीजें एक जैसी होती है नहीं भैया दोनों चीजें अलग अलग है बीजक अलग चीज है और बिक्री विवरण अलग चीज है अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ कॉपी उठा लो और लिखना स्टार्ट कर दो बेटा कॉपी जरूर होनी चाहिए जिस पर आप इजीली लिख सको बीजक और बिक्री विवरण के मध्य अंतर इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बेटा मैं आपको सीरियस होकर बता रहा हूं थोड़ा सा समझते हैं सुनो ध्यान से मान लो बेटा बीजक तो आप गए बीजक क्या होती है ना मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो जो माल बेचने वाला विक्रेता होता है कौन होता है बेटा विक्रेता होता है विक्रेता माल के साथ में एक स्लिप भेजता है जिस पर वो लिखता है कि भैया मैंने आपको कितना सामान बेचा है उसकी क्या क्या कीमत है ठीक है उसकी क्या क्या कीमत है तो उसको तो हम तो बीजक बोलते थे इसे आपको पता बेटा पहले से कि विक्रेता अपने क्रेता को माल को बेचते समय पर एक बिल देता है उस बिल को एक तरह से बीजेकते हैं इन कहते हैं ये तो ही चर्चा बेटा इन के बारे में बारियाती बिक्री विवरण क्या होता है बेटा नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी एक दुकान है और मैं अपनी दुकान को ना बेटा सामान बिकवाने के लिए एक एजेंट रख लेता हूँ जो मेरे सामान को बेचेगा एजेंट के थ्रू मैं अपने सामान को बिकवाता हूं एजेंट तो समझते हो ना बेटा कि आपने एजेंट रख लिया मान लो आप बेटा कोई भी सामान बनाते हो खूब आपको उत्पादन चल रहा है आप अपने सामान को चार पांच एजेंट के से बिकवा रहे हो आपका सामान एक ए नाम का एजेंट है वो दिल्ली में सामान बेच रहा है आपका बी नाम का एजेंट कहीं और सामान बेच रहा है सी नाम का एजेंट कहीं और सामान बेच रहा है तो जब आप अपने सामान को ध्यान से समझना जब आप अपने सामान को अपने किसी एजेंट से बिकवाते हो तो जब एजेंट आपका सामान बेच देगा ना बेटा तो वो आपको एक पेपर बनाकर देगा और बताएगा भैया मैंने इतना आपका सामान बेच दिया है इतनी इतनी कीमत में बेचा है इतनी इतनी मैंने आपकी क्वांटिटी बेच दी है तो नॉर्मली क्या होता है जो बिक्री विवरण होता है ना बेटा वो एजेंट बनाता है कौन बनाता है एजेंट एजेंट का मतलब जो हमारे सामान को बेच रहा है बेटा एजेंट के द्वारा बनाया जाता है क्या चीज बिक्री विवरण इसे ध्यान से समझना भाई मतलब मैं हमेशा हाथ जब भी मैं कहूँ ना हाथ जोड़ रहा हूं याद हाँ कर लेना इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है में है। बीजक और बिक्री विव, विवरण में अंतर और चैलेंज कि जितने बच्चे क्लास 90 बच्चों को बिक्री विवरण के बारे में नहीं पता था ये क्या होता है, हाँ, ये तो पता था क्या है पर क्या है, ये आपको नहीं पता था बेटा बताओ कि आपको पता था बिक्री विवरण क्या होता कौन देता, है। एजेंट देता है बेटा अब थोड़ी जी इनके बारे में डिफरेंस की चर्चा कर लेते हैं पूछे जाते हैं बता रखा इसके शीर्षक में बीजक शब्द का प्रयोग होता है यानी जब बना देखो सिंप, सिंपल सा डिफरेंस है भाई बीजक बनाकर दोगे तो ऊपर क्या लिखोगे कागज के ऊपर बीजक और जब बिक्री विवरण बनाकर दोगे तो शीर्षक में ऊपर क्या लिखोगे बेटा शीर्षक में विवरण या बिक्री विवरण लिख दोगे भाई इसमें प्राप्त प्रधान मालिक होता है इसमें प्राप्तकर्ता क्रेता होता है यह हल्का सा अभी मैं बाद में बताऊंगा यहां से समझते हैं यह माल के विक्रेता द्वारा बनाया जाता है यह एजेंट के द्वारा बनाया जाता है फिर से बेटा बीजक माल का विक्रेता बनाता है और विक्री विवरण यह एजेंट के द्वारा बनाया जाता है कौन बनाता है बेटा इसे एजेंट बनाता है दूसरा इसमें व्यापारिक छूट संबंधी सभी व्यापारिक छूटों को घटाया जाता है इसमें व्यापारिक छूट का विवरण को नहीं दर्शाया जाता याद रखना बिक्री विवरण में कोई व्यापारिक छूट को नहीं दर्शाते हैं मैंने अपने मालिक का सामान बेचा कितने का बेचा मैं इसे बता दूंगा कितनी छूट वगैरह दी मालिक को ये नहीं बताऊंगा देखो सीधी साधा मालिक ने कहा था मुझे सामान बेचना है अस्सी रुपए का सामान मैं सत्तर में बेचू साठ में बेचू कैसे बेचू कितना डिस्काउंट दिया वो क्रेता को बताना होता, बता होता है मालिक को नहीं बताना होता है खुद सोचो बेटा आप अगर किसी के मालिक की दुकान पर कोई सामान बेच रहे हो कोई सामान किसी को आप अस्सी का बेच रहे हो किसी को पचहत्तर का बेच रहे हो किसी को साठ का बेच रहे हो आप मालिक को बार बार ये तो नहीं बताओगे भैया मैंने इतने का बेच दिया मैंने इतने का बेच दिया मैंने इतने का बेच दिया नहीं बेटा तो बिक्री विवरण में किसी प्रकार की छूट के बारे में रिकॉर्ड नहीं लिखा जाता फिर से बीजक विक्रेता बनाता है बिक्री विवरण एजेंट द्वारा बनाया जाता है बीजक के शीर्ष में बीजक लिखा जाता है बिक्री विवरण के शीर्ष में बिक्री विवरण लिखा जाता है इसमें व्यापारिक छूट संबंधी जानकारी लिखी होती है इसमें व्यापारिक संबंधित छूट जानकारी को नहीं दर्शाया जाता इसमें किसी प्रकार का कमीशन नहीं होता है इसमें कमीशन को विक्रय राशि में घटाया जाता है क्योंकि सर ये क्या बात हो गई जब मेरा एजेंट कोई सामान बेचेगा एक लाख रुपए का तो एजेंट क्या बोलेगा एजेंट मुझसे क्या बोलेगा कि भैया मैंने आपका एक लाख का सामान बेच दिया है दस परसेंट मेरा कमीशन काट कर मैं तुम्हें नब्बे हजार रुपए दे रहा हूं एजेंट से सामान समझते हो बेटा मान लो मेरी एक बाइक है मैंने मोहन से कहा भैया मेरी बाइक बिकवा देना तो मोहन कौन हो गया मेरा एजेंट मोहन ने मेरी बाइक एक लाख रुपए की बेच दी अब मोहन क्या करेगा मुझे एक लाख रुपए देगा क्या नहीं ना भाई वो कहेगा भैया मैंने आपकी एक लाख की बाइक बिकवा दी दस हजार मेरा कमीशन काट लिया मैंने लो नब्बे हजार रुपये मुझसे ले लो और एक बिक्री विवरण पर लिख देगा एक लाख की मैंने बाइक बेची थी दस हजार मेरा कमीशन था नब्बे हजार रुपए भेज रहा हूं आपके पास तो बिक्री विवरण में बिक्री विवरण में क्या होता है जितनी की राशि होती है उसमें से क्या होता है बेटा बेचने वाला अपना कमीशन घटाकर बाकी पैसा हमारे पास भेजता है तो पढ़ते हैं दोबारा से इसमें कमीशन को विक्रय राशि में से घटाया जाता है इसमें किसी प्रकार का कमीशन नहीं होता भाई तो विक्रेता खुद ही बेच रहा है यहां तो विक्रेता खुद ही इन्वॉइस बनाता है खुद ही बेचता है तो इसमें किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं होता है बताओ चार अंतर पता लगे नहीं पता लगे फिर से मन मन में सोचो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तो पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाए और बोर भी ना हो बेटा आप लोग अच्छा मन मन में सोचते हैं दोबारा से बिक्री विवरण में शीर्ष में बिक्री विवरण लिखा होता है बीजक के शीर्ष में ऊपर बीजक लिखा होता है लिखा होता है हाँ जी लिखा होता है बीजक को विक्रेता बनाता है बिक्री विवरण को एजेंट बनाता है हाँ जी सर ये दो हमें अंतर पता लग गए बीजक बीजक में किसी, में किसी व्यापारिक छूट को घटाया जाता है बिक्री विवरण में किसी प्रकार की व्यापारिक छूट को नहीं घटाते सर तीन हमें याद हो गए बीजक में किसी प्रकार के कमीशन को नहीं घटाया जाता बिक्री विवरण में कमीशन को घटाया जाता है कमीशन कौन जो बेचने वाला है ना बेटा वो अपना एजेंट अपना कमीशन काटकर बाकी पैसा देता है तो बिक्री विवरण में कमीशन को काट कर बाकी पैसा दिया जाता है बेटा वो घटाया जाता है ना और देखो जो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं भी है चलो मैं यहां से थोड़ा साइड हो जाता हूं और आप बेटा इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो बीजक और बिक्री विवरण के अंतर की फोटो ले सकते हो आपकी फोन में रहेगी और सेल्फी के साथ डिलीट मत कर देना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं फोटो तो क्लिक कर लेते हैं है ना सेल्फी भी क्लिक करते हैं डेली सत्तर अस्सी नब्बे सौ अब उन सौ सेल्फी के साथ पता नहीं चलता मोहित सर की क्लास की कहा चली गई नोट्स भी कहां चले गए तो नोट्स भैया संभाल कर रखना ठीक है कभी आप नोट्स को अपनी सेल्फी के चक्कर में ऐसी भूत वाली सेल्फी आपकी आती है अजीबो गरीब हमारी भी ऐसी डिलीट कर दो तो हमारी को डिलीट मत करना भाई बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये हाँ जी इसमें छोड़ो परिशोध कमीशन वगैरह में फालतू चीज आपको नहीं बताता हूं इसके दो प्रकार होते हैं साधारण बीजक और सूचनात्मक बीजक इसका एक ही प्रकार होता है इसके दो प्रकार होते हैं इसके एक प्रकार होता है लगभग पांच छे अंतर आपको आगे होंगे बेटा और मैं हमेशा किसी भारी चीजों को समझाने पर कोशिश भी नहीं करता मैं कोशिश करता हूँ वो चीजें बता दूं कि मजे मजे में आपके हो भी जाए अच्छा फर्स्ट क्लास की भी फोटो है चलो धन्यवाद बेटा अब आते हैं जी भैया विक्रय विवरण बनाने के देखो एक बार हल्का सा आप ये भी ले लो चलो विक्रय एक फोटो इसकी क्लिक कर लो बेटा ताकि याद कर सको आप विक्रय विवरण क्या होता है हल्का सा जल्दी फोटो ले लो बेटा इसकी ताकि मैं थोड़ा आगे पढ़ा, बढ़ा बढ़ा सकू जमा पत्र आ जाओ बेटा एक नई चीज पर जमा पत्र या डेबिट नोट्स। नाम पत्र, डेबिट नोट्स। तो अब मैं आपको जो करा रहा हूं बेटा वो भी अपने आप इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको करा रहा हूं बेटा क्या नाम है भैया इसका डेबिट नोट सॉरी सॉरी बेटे बच्चे डेबिट नोट या नाम पत्र सुनना ध्यान से बेटा क्या होता है डेबिट नोट क्या चीज है सुना लिखा है डेबिट नोट या नाम पत्र जब विक्रेता बीजक बनाते समय जब विक्रेता बीजक बनाते समय वास्तविक मूल्य से कम राशि लिख देता है तो इस अशुद्धि को सुधारने के लिए क्रेता द्वारा विक्रेता को एक सूचना पत्र भेजी जाती है जिसे डेबिट नोट या नाम पत्र कहा जाता है इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उसने खाते में से संबंधित धनराशि नाम या डेबिट की गई है इससे क्रेता को यह धनराशि लेन देन में समायोजित कर ली जाती है समझ लो बेटा ध्यान से अब सुना ध्यान से क्या होता है मान लो विक्रेता ने क्रेता के पास सामान भेज दिया एक बीजक भी भेज दिया और बीजक में क्या हुआ राशि धोखे से कम लिख दी गई माल आ गया अस्सी हजार रुपए का और राशि लिख दी गई बेटा कितनी साठ हजार रुपए अस्सी का माल आ गया राशि सिर्फ कितनी लिखी गई साठ हजार रुपए तो ऐसी कंडीशन में यानी कि जब बीजक में वास्तविक राशि से कम राशि लिख दी जाती है तब क्या बनाया जाता है बेटा डेबिट नोट बनाया जाता है तब डेबिट नोट बनाया जाता है जब बीजक की राशि वास्तविक राशि से कम हो तब क्रेता एक नोट बनाकर भेजेगा विक्रेता के पास कि भैया आपने इतनी राशि कम लिख दी है आपने इतनी राशि कम लिख दी है तो सुन लो बेटा ध्यान से डेबिट नोट या नाम पत्र इसके दो नाम है बेटा डेबिट नोट या नाम पत्र जब विक्रेता बीजक बनाते समय वास्तविक मूल्य से कम राशि लिख देता है तो इस अशुद्धि को सुधारने के लिए क्रेता द्वारा विक्रेता को एक सूचना पत्र भेजा जाता है जिसे डेबिट नोट या नाम पत्र कहा जाता है जिसे डेबिट नोट या नाम पत्र कहा जाता है पेपर में प्रश्न आएगा यदि वास्तविक राशि वास्तविक राशि कि बीजक की राशि से अधिक होती है तो कौन सा पत्र लिखा जाता है जब बीजक का योग गलती से कम लग गया हो जब किसी वस्तु का मूल्य बीजक में कम लगाया गया हो जब किसी वस्तु का मूल्य बीजक में लगने से रह गया हो जब किसी व्यय का लेखा विक्रेता ने क्रेता की ओर से बीजक में नय किया गया हो तो ये सारी बातें क्यों हो बेटा जब बीजक का मूल्य धोखे से कम हो जाए बस ये समझना डेबिट नोट कब लिखते हैं जब बीजक का मूल्य वास्तविक मूल्य से कम लिखा गया है बीजक में वास्तविक मूल्य से कम पैसा लिखा है सामान भेज दिया उसकी कीमत लिखना भूल गए या अस्सी हजार का सामान था धोखे से सत्तर हजार रुपए लगा दिया या आने जाने का भाड़ा लिखना भूल गए जब बीजक की राशि वास्तविक राशि से कम लिख दी जाती है तो उसे ठीक करने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा नाम पत्र बोलते हैं आगे क्रेडिट नोट या जमा पत्र अब आप इसका उल्टा समझ गए होंगे ये आप खुद डेफिनेशन बना दोगे कि अगर क्या हो जाए अगर क्या हो जाए खुद मैं बढ़ नहीं रहा हूं बस खुद बता रहा हूं बेटा खुद सोचो डेबिट नोट कब बना रहे थे जब वास्तविक राशि बीजक की राशि से ज्यादा थी बीजक में धोखे से कम लिख दिया गया था लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कभी कभी क्या होता है कि बीजक के अंदर धोखे से विक्रेता ज्यादा राशि लिख देता है पढ़ते हैं क्रेडिट नोट या जमा पत्र जब विक्रेता द्वारा बीजक तैयार करते समय वास्तविक मूल्य से अधिक धनराशि लिख दी जाती है तब इस अशुद्धि को सुधारने के लिए विक्रेता द्वारा क्रेता को एक सूचना पत्र भेजा जाता है जिसमें जमा पत्र या क्रेडिट नोट कहा जाता है इसमें क्रेता को सूचना दी जाती है कि संबंधित धनराशि उसके खाते में जमा या क्रेडिट कर दी गई है इसलिए भविष्य में इस धनराशि का भुगतान कम होगा तो कहने का मतलब दो बातें हो गई एक डेबिट नोट एक क्रेडिट नोट एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट इंग्लिश में हिंदी में दोनों में एक ही लिख देना बेटा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट डेबिट नोट कब होगा जब जब बीजक की राशि कम होगी किससे रियल रियल को बोलते वास्तविक राशि से तो क्या बनेगा डेबिट नोट जब बीजक के अंदर राशि ज्यादा लिख दी जाएगी किससे रियल वाले अमाउंट से वास्तविक वाले अमाउंट से तो क्रेडिट नोट बनेगा पेपर में प्रश्न आएगा यदि बीजक की राशि वास्तविक राशि से कम है तो कौन सा नोट बनता है बीजक की राशि कम है वास्तविक से होनी ज्यादा चाहिए थी डेबिट नोट जब बीजक की राशि वास्तविक राशि से ज्यादा है तो कौन सा बनेगा क्रेडिट नोट अब आपसे पूछ सकता है डेबिट नोट के कारण क्या क्या हैं या क्रेडिट नोट के कारण क्या क्या है अब क्रेडिट नोट के कारण समझते हैं बेटा पहले यानी क्रेडिट नोट क्यों बनाना पड़ रहा है क्रेडिट नोट क्यों बनाना पड़ रहा है बीजक में राशि ज्यादा लिख दी गई वास्तव में राशि कम थी तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं इसका कारण हो सकता है किसी वस्तु का मूल्य ज्यादा लगा दिया गया हो या किसी वस्तु का मूल्य लिख दिया गया हो किंतु वो वस्तु ना भेजी गई हो या वस्तु की मात्रा ज्यादा लगा दी गई हो और वस्तु कम मात्रा में भेज दी गई हो या आने जाने के भाड़े को ज्यादा राशि दिखा दी गई हो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा क्रेडिट नोट क्या बनेगा ऐसी कंडीशन में क्रेडिट नोट क्या लिख रखा है जब बीजक का योग जब बीजक का योग अधिक लग गया हो जब क्रेता किसी कारणवश अतिरिक्त कमीशन दिया गया हो जब बीजक में किसी वस्तु का मूल्य अधिक लगाया गया हो जब क्रेता से कुछ माल वापस आ गया हो जब किसी वस्तु को न भेजने पर भी उसका मूल्य बीजक में लगा दिया गया हो तो ऐसे में क्या बनता है बेटा जमा पत्र या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसे क्रेडिट नोट बनता है क्या बनता है मेरे बच्चे क्रेडिट नोट बनता है तो बीजक हम डेबिट नोट समझ चुके हम क्रेडिट नोट समझ चुके और हम समझ चुके बेटा क्या बीजक और बिक्री विवरण में अंतर तो अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की थ्योरी होगी भैया पूरी तरह से कंप्लीट अब कल वाली क्लास में बेटा मैं आपको दो तीन बीजे बनाना सिखा दूंगा बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें बीजेक पहले से बनाना आता है और कल हम क्या करेंगे बेटा बीजेक बनाना सीख लेंगे अब बेटा मैं प्रेम अग्रवाल है कोई से भी अग्रवाल हो बेटा मैं कई बार नोट्स भेज चुका हूं मैं कोई नोट्स नहीं भेजूंगा बस मैं इतना कह सकता हूं कि आप चाहो तो बेटा यहां पर स्क्रीन दे सकते हो नोट्स की अब मुझसे बार बार मांग ना करें मैं बार बार नोट्स आपके पास नहीं भेजूंगा बेटा गलत बात है ठीक है अगर आपको इसके नोट लेने हैं तो नोट ले लेना मैं एक बार आपको दिखा रहा हूं आप चाहो तो इसके बेटा फोटो क्लिक कर सकते हो बस इतना मैं कर सकता हूं बाकी क्लास कर लेंगे बेटा हमारा नंबर बदल चुका है अब बीच में एट है अब आप कभी मैसेज या कॉल करोगे तो इस नंबर पर करोगे ट्रिपल फाइव एट फाइव ट्रिपल नाइन फाइव पर ट्रिपल फाइव एट फाइव ट्रिपल नाइन फाइव जल्दी से आप फोटो क्लिक करना चाहो कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैंने आपको दिखा दी सामान्य बीजक की फोटो लेना चाहो ले सकते हो सूचनार्थ बीजक की फोटो ले सकते हो और बीजेक की फोटो ले सकते हो चलिएगा अब आप क्लास लीव कर सकते हो जय हिंद जय भारत अपना ध्यान रखना अच्छे से पढ़ाई करना